में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं खुशी। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। गंगापुर सिटी उपखंड के नंदपुरा गांव के चारों ओर रास्तों में पानी भर जाने के कारण आवागमन बंद हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले दिनों अधिक बरसात होने से गांव के चारों ओर से पानी आने के कारण गांव के सभी रास्ते अवरुद्ध हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के चारों ओर बड़ी नदियों का पानी निकलता है और अधिक जल स्तर बढ़ने से उनके सभी रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं तथा नंदपुरा गांव के छात्र छात्राओं में रास्ते में अधिक पानी आने से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। एक बच्चे का समय पर बीमारी से इलाज नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु भी हो चुकी है तथा कई किसानों ने अपने खेतों में सब्जियां उगा रखी थी। गांव के चारों ओर नदियां का पानी आने से सब्जियों की फसल बेचने के लिए गंगापुर सिटी नहीं जा सकते थे, जिसके कारण अब सब्जियां खराब हो चुकी है। वही ग्रामीणों ने गाँव के चारों ओर नदियों का पानी निकलने की जानकारी प्रशासन को लिखित में दे दिए, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। इससे हारकर ग्रामीणों ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर जाकर गांव की समस्याओं के बारे में अवगत कराया। उधर ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी क्षेत्रीय नेताओं को पहले से कई बार अवगत भी करा दिया गया है। बाटोदा से राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। सब राजस्थान में पहले ही बाबा यह पानी भरवासु कतेक परेशानी हो रही है। अरे साहब बहुत ज्यादा परेशानी है साहब, कहीं के पानी सु तो पानी भरवासु तो कहीं के मतलब सारी मामलो ही खराब है साहब। कहीं के हमारो कहीं के बाहर को दूसरा गांव में भी जामा तो अब इसमें है ना, जो तैर कैर कोई तैर बाड़ो बात नकड़ जाए पर सामान नहीं पहुंचता है और ज्यादा आ जाती है, तैर बाड़ो भी बंद है। मेरा नाम पिंटू सैनी है। मीडिया कर्मियों का मैं अभिनंदन करता हूं कि हमारी समस्या का आपने यहां के आके सुना। आपको पता है आप आए कैसे रास्ते से आए, हमारा चारों तरफ से आवागमन है हमारे गांव का वो बिल्कुल कटा हुआ है इस बरसात के कारण। मैं मीडिया कर्मियों से प्रशासन के अधिकारियों से सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, वो आके हमारी समस्या को ज़रूर सुने और जो ये नदी है उसके ऊपर पुल बनवाया जाए। मैं साहब आपसे न्यू कहता हूँ कि हमारे नए पुलिया जरूर से जरूर बंधनी चाहिए। तो पुलिया नए बंधे तो पटवा की बहुत परेशानी है हमारे बाढ़ करने की। 70-80 बच्चा कम से कम मैंने यहाँ गांव में बैठ के 15 दिन से खराब हो रही है, तो ये पुलिया की महाराज जरूर जरूर कोशिश करो आप। गाँव की मेन समस्या तो ये है, इस नदी के आने के कारण हमारा जो बच्चे कुनकटा स्कूल में पढ़ते हैं हाई सेकेंडरी में, वो 10वीं 11वीं और 12वीं 3 क्लासों में, तो वे बच्चे बिल्कुल 15 दिन से इस गांव में रुके हुए हैं, तो शिक्षा से बिल्कुल वंचित है। अगर शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हमारा गांव आगे कैसे प्रोग्रेस करेगा सर? हमारी तो यही मांग है कि इस पुल बनाया जाए और हमारे बच्चा शिक्षा ग्रहण करे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।